अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जाने फाती किचन और आज हम बना रहे हैं ईद के लिए स्पेशल गेस्ट के लिए मलाई टिक्का। मलाई टिक्का बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, 2 kg हमने चिकन ले लिया है विद बोन। स्पाइस में हमें चाहिए 1 teaspoon वाइट पेपर, 1/2 teaspoon ब्लैक पेपर, 1 tablespoon रेड चिली फ्लेक्स, 1/2 tablespoon गर्म मसाला, 1 tablespoon हमें चाहिए पिसा कुटा धनिया और ज़ीरा। ये मैंने दोनों चीज़ें भून ली हैं और 1 tablespoon ले लिया है। कसूरी मेथी हमें चाहिए हैंड क्रश 1/3 teaspoon। चिकन मलाई टिक्का या आप कोई भी टिक्का मसाला ले लें, मैंने चिकन टिक्का मसाला लिया है ये 4 tablespoon हमें चाहिए। जिंजर गार्लिक का पेस्ट हमें चाहिए 2 tablespoon। लेमन जूस हमें चाहिए 4 tablespoon। क्रीम हमें चाहिए 2 tablespoon। आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये जो लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है 2 tablespoon ये ऐड कर देंगे। लेमन जूस 4 tablespoon ये ऐड कर देंगे हम। स्पाइसेस जो ली हैं हमने ये सारी ऐड कर देंगे। इतना मज़ेदार टेस्टी बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सारे स्पाइसेस हम इसमें ऐड कर देंगे और 2 tablespoon भर के हम इसमें क्रीम ऐड कर देंगे। हमें क्रीम मीठी नहीं चाहिए, फ्रेश क्रीम या आपके पास कोई भी क्रीम हो आप वो यूज़ कर सकते हैं, व्हिप्ड क्रीम भी, बट मीठी ना हो। हमने ये सब चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं। बटर ले लिया है हमने 1.5 tablespoon। ये पहले मैंने आपको नहीं बताया था बट ये मेरे पास ठंडा है तो मैं इसे थोड़ा सा हाथ से प्रेस कर दूँगी और मिक्सिंग के टाइम पर तो खुद ही अच्छा सा मिक्स हो जाएगा। हमने इन सारी इंग्रेडिएंट्स को अच्छा सा मिक्स कर लेना है। योगर्ट डालना है हमने इसमें। 1 kg के लिए हमें 4 tablespoon चाहिए बट हम इसमें 8 tablespoon ऐड करेंगे। अब हम इसमें 8 tablespoon योगर्ट ऐड कर देंगे और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। अब आप पहले इसको फेंट लीजिएगा। अभी इन सारे स्पाइसेस को हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। आप चाहते हैं तो इसकी मैरिनेशन करके रखते हैं, अदरवाइज़ आप इसको आधे घंटे के बाद भी कुक कर सकते हैं, बट मैं इसकी ओवरनाइट मैरिनेशन करूँगी। इसके स्पाइसेस को हमने अच्छा सा मिक्स करना है ताकि स्पाइसेस हर जगह आराम से चले जाएँ। हमने इसमें बटर ठंडा ऐड किया है, इस वजह से हमें इसे अच्छी तरह मिक्स करना पड़ेगा। अब हमारे स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो गए हैं। ईद के लिए बनाए स्पेशल यमी और मज़ेदार डिश रेडी होती है ये। अब हमारा चिकन अच्छा सा मिक्सिंग हो गया है। अब हम इसको कवर अप करके रख देते हैं ओवरनाइट के लिए, उसके बाद हम इसकी कुक करते हैं। अब हम मलाई टिक्का बनाने के लिए एक पॉट में ऑयल को ऐड कर देंगे। मैंने इसमें 1/2 cup ऑयल ऐड कर दिया है। टू टेबल स्पून हम इसमें बटर ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 2 tablespoon या आप अपने टेस्ट के हिसाब से ग्रीन चिली का पेस्ट ऐड कर दें। मैं अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर रही हूँ, क्वांटिटी के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। टोमेटो प्यूरी ऐड कर देंगे इसमें हम फुल 1.5 cup हम इसमें टोमेटो प्यूरी को ऐड करेंगे और अब इसका थोड़ा सा हम मसाला भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, मैंने 2 tablespoon ऐड कर दिया इसमें और अब हम इसको भून लेंगे जब तक कि इसका पानी रिड्यूस होता है, जब तक हम अपना चिकन को फ्राई कर लेते हैं। अब हम अपने चिकन के पीसेस को शैलो फ्राई कर लेंगे। किसी भी तवे पर या आप पैन पर इसको शैलो फ्राई कर लें। जस्ट हमने से अच्छा सा कलर देना है और थोड़ा 85-80% कुक भी हो जाएगा इसमें ही। सारे पीसेस अब हम ऐसे ही रख देंगे। तो देखें इसकी साइड एक गोल्डन हो चुकी है। अब हम इसकी अदर साइड भी चेंज कर लेंगे और इसको भी गोल्डन कर लेंगे।
ये देखें कितना अच्छा सा कलर आ चुका है, सारे चिकन में हमारे। अब हम इसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे और बाकी ही ऐसी भी सारे पीसेज हम अपने रेडी कर लेंगे। ये देखिए इतना अच्छा सा मसाला इसका भुन चुका है। और ये जो मैरिनेट हमने चिकन किया था इसका थोड़ा सा जो हमने चिकन फ्राई किया है, नीचे बैटर जो बचा है ये सारा हम इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा सा हम और भून लेंगे हाई फ्लेम पर। देखिए बिल्कुल अच्छा सा हमारा मसाला भुन चुका, ऑयल भी सेपरेट हो गया। अब हम इसकी बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम कर देंगे और अब हम इसमें हाफ़ कप दूध ऐड कर देंगे, हाफ़ कप दूध ऐड कर देंगे और हाफ़ कप हम इसमें क्रीम ऐड कर देंगे। अब बड़े यमी और टेस्टी चिकन मलाई टिक्का रेडी होगा इंशाल्लाह। ये सारा हम हाफ़ कप इसमें क्रीम ऐड करेंगे, हाफ़ कप क्रीम भी हमने इसमें ऐड कर दी है। और 3 टेबल स्पून इसमें हम खोपरा ऐड कर देंगे, खोपरा ऐड कर दें या फ्रेश जो ड्राई खोपरा वो होता है नारियल, इसको क्रश करके ऐड कर दें। मैं फ्रेश को क्रश करके ऐड कर रही हूँ। सारा चिकन हम अब इसमें ऐड कर देंगे अपना, जो हमने अपना चिकन रोस्ट किया। अब ये हमने सारा खोपरा ऐड कर लिया और इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। आपको इसकी जितनी थिकनेस रखनी है आपके हिसाब से है, अगर आपको थिक लगे तो आप इसमें और थोड़ा सा दूध ऐड कर दें, पानी ऐड नहीं करना है इसमें। और हम इसकी ग्रेवी को थोड़ा सा थिन कर लेंगे, मैं इसमें और दूध डालूँगी ताकि हम इसको 5 से 10 मिनट जब हम दम पर रखेंगे तो ये फिर नॉर्मल हो जाएगी इसकी ग्रेवी। और अगर आपको इस पॉइंट पर स्पाइसेस कम लगे तो आप इसमें ग्रीन चिली पेस्ट या वाइट पेपर ऐड कर सकते हैं, हमारे लिए इनफ है चिली इसमें। अब मैं इसको थोड़ा सा और दूध ऐड कर देती हूँ, मैंने और इसमें हाफ कप दूध ऐड किया और अब मैं इसे 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर दम पर रखूँगी और फिर इसके बाद हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए अब हम हमारा चिकन मलाई टिक्का फाइनल है, अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। बस हमें इसकी इतनी ही थिकनेस रखनी है बस, और अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। फ्रेंड्स हमारा चिकन मलाई टिक्का रेडी टू ईट है। आप इसे सर्विंग के टाइम ऊपर से क्रीम थोड़ी सी स्प्रिंकल कर दें और मैंने अनियन रिंग से सर्व डालकर इसकी सर्विंग के टाइम आप इसको गार्निश करें, नान के साथ सर्व करें, ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इंशाल्लाह। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम पर देखने को। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग जेएफके चैनल। अल्लाह हाफिज़।